1953 गोपालपुर विधानसभा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोजपा प्रत्याशी सुरेश भगत का चल रहा जनसंपर्क। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। नवगछिया के 1953 गोपालपुर विधानसभा में लोजपा के प्रत्याशी सुरेश भगत के लिए पटना से आए नुक्कड़ नाटक की टीम द्वारा लोगों को वोट करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। मौके पर नुक्कड़ नाटक की टीम के सदस्यों ने बताया कि पटना के रंगमंच से वे जुड़े हुए हैं। चुनावी कार्यक्रम के तहत नवगछिया के गोपालपुर विधानसभा के सभी पंचायतों के गांव-गांव में जाकर लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। मेहरबान कदरदान साहिबान, पानदान भूखदान पूरा खानदान, बच्चे बूढ़े और जवान, हिंदू भाइयों का राम राम और मुसलमान भाइयों का सलाम। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा खेल दिखाऊंगा, तो शुरू करते हैं। हम है यम, यम है हम, मेरे सामने पूरी दुनिया है कम। अरे चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, अरे कहां मर गए? अरे चित्रगुप्त, अरे यही है, कहीं गए नहीं है। अरे चित्रगुप्त, तुम नहीं रहते हो तो मेरा मन नहीं लगता है। सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो तुम? अरे महाराज, वो मैं चीनी के लिए बीबी लाने गया था। चीनी के लिए बीबी? अरे महाराज, रावत की जवान है, फिसल जाती है, वो बीबी के लिए चीनी लाने गया था। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम तो बीवी के गुलाम हो। अच्छा जी महाराज। और नहीं तो क्या, हमें देखो, हम तो अपनी पत्नी को कैद में रखते हैं, कैद में। अच्छा महाराज। और नहीं तो क्या महाराज, तब तो आपकी बीवी जब तक आपके हाथ में झाड़ू नहीं देती होगी, तब तक आप झाड़ू भी नहीं मारते होंगे। अरे आपको कैसे मालूम? बिल्कुल सही बात है, जब तक हमारी बीवी हमारे हाथ में झाड़ू ना दे दे, तब तक हम झाड़ू भी नहीं लगाते। अच्छा जी। और नहीं तो क्या, जब तक हमारी बीवी हमारे हाथ में कपड़ा ना दे दे, तब तक हम कपड़ा भी नहीं धोते। अच्छा महाराज, सही बताइए, तो जब तक आपकी पत्नी रात में पैर दबाने के लिए नहीं कहती होगी, तब तक आप पैर भी नहीं दबाते होंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं चित्रगुप्त। जब तक हमारी बीवी रात में दो बार, कितनी बार? दो बार, दो बार रात में दो बार, जब तक हमारी बीवी हमको पैर दबाने के लिए ना बोले, तब तक हम अपनी पत्नी का पैर भी नहीं दबाते। अच्छा जी महाराज। और नहीं तो क्या।